हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वीकली एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी डे में कैसे ट्रेड कर सकता है, एक्चुअली हम कैसे ट्रेड करता हो तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम वीकली जो एक्सपायरी है तो एक्सपायरी डे में थर्सडे में कैसे ट्रेड करा जाता है, मैं उसको स्ट्रेटजी आप लोग को बना के दिखाएंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमें ऑप्शन पुट का समझा के बताता हूँ। तो मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, राइट? तो मेरे को फर्स्ट एक एक रेजिस्टेंस ढूंढेंगे हम लोग, क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि नहीं है तो हम ढूंढेंगे। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है, राइट, तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढ लिया। उसको बाद मैंने क्या करेंगे, यहाँ से एक जो थोड़ा सा दूर का प्रीमियम, जिसका प्रीमियम लगभग 50 रुपये होना चाहिए, 50, ठीक है, और 45 जो भी है उस टाइम में मिल रहा है, तो ये 10 बजे का बाद ही आपको अप्लाई करना है। 10 बजे से 1 बजे तक आप जो भी जितना प्रॉफिट है वो लेके निकल जाना, फिर उसके बाद आप दूसरा अप्लाई कर सकते हैं। तो मार्केट का ट्रेंडिंग आपको व्यू होना चाहिए, जो मेरा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, राइट, उस टाइम में। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मैं स्ट्रेटेजी बताने का पहला आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन में बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। ये ओनली एक्सपायरी डे में यूज होता है, उसके बाद हम लाइव भी ट्रेड किया है वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है, एक्सपायरी डे में। अभी ये 2 एक्सपायरी है, राइट। तो हम लोग एक्सपायरी डे में कैसा यूज करना है, देखो एक्सपायरी डे में प्राइस ज़्यादा दिन नहीं रहता, 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट के अंदर रहता। तो 1 2 300 पॉइंट 400 पॉइंट अंदर अगर जो प्राइस मिल रहा है उस टाइम, आपको क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 200 पॉइंट के बाद ये क्या करना, आपको एक बाई करना है, ठीक है, आपको करना है एक बाई, ठीक है। यहाँ पे 200 पॉइंट आपको लग रहा है मार्केट, सॉरी हमने गलत किया है, हम कॉल साइड का बना रहा, कॉल साइड ऑलरेडी में बना के है, उसको आपको लाइव दिखा देंगे, यहाँ पे यूट्यूब में रखा है वो। और जाएंगे यार, इसको कर देंगे, हमारा एक्सपायरी डे में कैसा ट्रेड होता है। तो हम लोग ऑप्शन से इनको आएंगे, मेरा भी मार्केट ऊपर जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पुट साइड से बनाएंगे, राइट। तो नाउ स्ट्राइक प्राइस नाउ एक्सपायरी डे, तो हम लोग 1 2 2 200 पॉइंट का हम क्या करेंगे, ये बाई करेंगे। ज़्यादा दूर नहीं रहता ना, 200 300 400 पॉइंट ही दूर रहता है, एक्सपायरी डे में प्रीमियम ही नहीं रहता ना, तो हम 200 पॉइंट का दूर बाई करेंगे जो एट द मनी चल रहा है। तो ये एट द मनी है, तो यहाँ से 200 पॉइंट ये हमने बाई किया। उसके बाद 1 2 200 पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे कितना, 2 क्वांटिटी एक उठाया हम यहाँ पे, 3 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे छेन करेंगे, 3 क्वांटिटी सेल किया, 1 2 3, राइट। उसके बाद 1 2 यहाँ पे हम सेल किया इसका, 1 2 2 का बाद क्या करेंगे हम, इसको करेंगे बाई, बाई करेंगे 3 क्वांटिटी, उधर एक का इधर 3, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 करेंगे, एक 200 पॉइंट हम सेल किया, बाई किया, फिर 1 2 200 पॉइंट सेल किया, फिर 1 2, फिर हम बाई के, फिर नेक्स्ट का जो है इसका भी कहीं ना कहीं 27 29 है, 27, अभी एक बाई करेंगे ये वाला, राइट। तो इसको एक बाई कर लेंगे, यहाँ पे एक क्वांटिटी बाई करेंगे, तो हमारे पास हमारा काम हो गया है, हम पोर्ट साइड से अप्लाई कर दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ,
मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा अनलिमिटेड होगा, मैक्सिमम लॉस ये ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमने कुछ गलत किया होगा शायद। हाँ यहाँ पे कितना प्राइस 368 293, यहाँ पे दो वहाँ पे तीन, टोटल हम लोग तीन क्वांटिटी उठाए थे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे तीन और इधर कितना है, एक दो तीन चार होगा। तो हमको ना डिफरेंट स्ट्राइक को और एक स्ट्राइक को हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और एक स्ट्राइक हमको लेना पड़ेगा। तो हम कौन सा स्ट्राइक को लेंगे राइट? अब देखो पहले तो एक दो तीन यहाँ पे शॉर्ट किया, उसके बाद ये वाला फिर से मेरे को एक क्या करना, एक शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल चार क्वांटिटी लेंगे। तो चार क्वांटिटी में चार बाई भी करना पड़ेगा ना, हेजिंग के परपज से बाय करना पड़ेगा, जो मेरे को लॉस ना दे ज़्यादा। तो ये हुआ हमारा स्ट्रेटेजी, ठीक है। एक्सपायरी डे में ऐसा यूज होता है, मैं खुद ही ट्रेड किया हूँ एक्सपायरी में। तो यहाँ पे कहना है 7000 प्रॉफिट होगा, 66% पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 86000 लगने वाला है इंटरडे में एक्सपायरी में, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लॉस कितना, 12000, अगर आपका 7000 प्रॉफिट है राइट, क्योंकि आपने दूर का प्रीमियम झेल के है ना। तो इसका यहाँ पे ब्रेक इवन कितना है, 35100। तो आपको ब्रेक इवन कितना आ जाएगा, 35100 आएगा राइट, 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ना अगर उस टाइम में ना आपको यहाँ पे मार्केट आएगा नहीं, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है, आपको लगता है उतना दूर तो यहाँ पे आएगा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे आके आपको बहुत बड़ा लॉस दे देगा, खा जाएगा आपका स्टॉप लॉस एक्सपायरी डे में, आपको क्या लग रहा है? तो इसीलिए आपको व्यू करेक्ट होना चाहिए, जो मैं परफेक्ट हुआ एज क्लोज देने वाला है यहाँ पे, मैक्स पेन क्या बोल रहा है वगैरह वगैरह देख के उसके बाद ट्रेड करना है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड करेगा तो आपको क्या होता है, इसमें घबराहटे का कोई टेंशन ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ही मिलेगा। क्योंकि अगर मार्केट आपको आपका फीवर में भी ना जाए, ऑपोजिट में चले आ जाएगा राइट, ऑपोजिट में अभी आ गया तो आपको क्या होगा। देखो ये जो आप बाय किया 368 है ना राइट, उस टाइम में आपको 75 रुपीज़ होगा, और इसका प्रीमियम 40 रुपीज़ होगा, इसका भी कितना 35 होगा, इसका शायद 21 और यहाँ पे 22, इस तरह से होगा प्राइस। तो इस तरह से आप क्या करना, इस तरह से आप अगर ट्रेड लेोगे कोई भी वन साइडेड, ठीक है, ये आप वन साइड ट्रेडिंग व्यू कर रहा है, वन साइड व्यू ले रहा है। अगर मार्केट आपका फीवर में, मेरा फीवर में नहीं आएगा, मेरा वो रिवर्स भी आ जाएगा, तो मैं शांति से स्टॉप लॉस दे के निकल जाएंगे वो मेरा, ठीक है। मेरा क्या है, अगर सब का सब मतलब मैक्सिमम लॉस मेरा इतना ही मिलेगा, अगर ये अचानक से भी नीचे आ जाएगा ना, 12000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो जाता है, 7000 प्रॉफिट है। अगर यह 66% पॉसिबिलिटी है हमको प्रॉफिट देगा, समझ में आ रहा है मार्केट। तो हमारा व्यू करेक्ट होना चाहिए, तब तो जाके ये एक डिसाइड करना पड़ेगा, जो मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ खड़ा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ खड़ा है, तो उस बेसिस में आप ट्रेड लेना है, ठीक है। तो एक्सपायरी में इसी तरह से ट्रेड होता है, ये हमें पुट साइड का दिखा दिया। हेलो डियर माय फ्रेंड्स, तो अब अगर आप देखेगा यहाँ पे एक्सपायरी डे में सेम इसी तरह से अप्लाई किया, सेम इसी तरह से मैं अप्लाई किया। देखो यहाँ पे क्या किया, सी राइट किया हम अभी, ठीक है। अभी क्या है, प्रॉफिट लॉस से वो बात नहीं है, तो देखा जाएगा लास्ट में क्या होता है। और एक्सेल 25 क्वांटिटी हमने क्या किया, बाय किया, इसका 125 को सेल किया है, 50 क्वांटिटी भी सेल किया, मतलब यहाँ पे अलग अलग ये दोनों शॉर्ट किया है। 25 कितना लॉट आता है, इसको एक बाय के ऊपर का एक बाय किया, फिर इसका नीचे एक बाय किया, कहीं ना कहीं हेजिंग किया, तो एक्सपायरी में इसी तरह से बाय किया होता है, नीचे देख लो, ठीक है, देख लेना। यहाँ पे 25 क्वांटिटी, यहाँ 125, ये 50 क्वांटिटी है, 75, ये 75,
तो कहीं ना कहीं ये देखो 50 क्वांटिटी में 125 क्वांटिटी है, तो इस तरह से क्वांटिटी लेने से आपको लास्ट एंड ऑफ द डे में अगर आपको व्यू परफेक्ट होना चाहिए तो लास्ट में आपको प्रॉफिट भी दिखा देंगे। चक्कर में ये जो मैंने लिया है ये कॉल साइड का लिया है, ठीक है। अभी जो है ना ये आपको सी साइड, अभी मैं आपको पुट साइड दिखा दिया, ये कॉल साइड भी ये वीडियो में है तो दो वीडियो में नहीं बनाऊंगा। अभी क्या है प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये छोटा प्रॉफिट दिख रहा है आपको, मगर ये जो अब एक बज गया, एक बजने के बाद ये मार्केट ये रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है और टेंशन भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। मैं सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर, मगर उतना प्रॉफिट ऐसा उतना देखो मोटिव है, ठीक है। कैपिटल वो बस मेरे मेन कैपिटल को ग्रो करना कैसा उतना देखो मोटिव है, ठीक है। कैपिटल जितना है उतना है बस है। तो थैंक यू डियर, मैं फिर वीडियो को अच्छा लगेगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करता तो बजे का अंदर जो निकाल चुका हूँ, क्योंकि क्या होता मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, ठीक है। मैं आपको देखो बस के अभी भी इसमें, ठीक है, इसमें देखो 74.32 ये देखो कहीं ना कहीं 1000 प्रॉफिट है, तो ये हेजिंग पर्पस इस तरह से आपको क्या होता है इसमें इस तरह से आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से लॉस नहीं होगा, बड़ा लॉस नहीं होना बोल के, ठीक है। और एक्सपायरी में इस तरह से ट्रेड करने से अच्छा रहेगा, आपको टेंशन भी नहीं रहेगा, प्लस आप शांति से रिलैक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने पुट साइज को पुट साइड का दिखा दिया और ये जो वीडियो है ये होम पेज में मिल जाएगा, तो ये आपको देख लेना, ये लाइव है। तो पुट साइड का भी सेम ही इसी तरह से, और तो आपको समझ में आ गया शायद मेरे ख्याल से जो एक्सपायरी डे में कैसा ट्रेड होता है। तो थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। मैं अभी वो क्या होता मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, ठीक है। 400 तो लॉस भी हो सकते, भाग नहीं रहा हूँ, प्रॉफिट चल रहा है हुआ 1 मुझे लगता है। तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ वीडियो मिल जाएगा, ये साथ में भी आपको समझ में आएगा, मैंने स्ट्रेटजी समझा दिया। तो ये क्या है, सेम यही स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं। इस तरह से एक्सपायरी में डे में ट्रेड करें तो शांति से ट्रेड कर सकता है, सो जाना, चाय पी जाना, बस कॉफ़ी पीते रहना, तो आराम से ट्रेड कर सकता है। इस तरह से आप पोजिशन बनाओगे तो लॉस नहीं होगा एक्सपायरी डे में, ठीक है। तो थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, एंड बहुत सारे स्ट्रेटेजी समझा दिया और भी बहुत सारे दिमाग है, मगर आप लोग को इतना सीखो, पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद एडवांस में अगर फ़ोन करो नहीं तो मैसेज करो, उसके बाद मैं और एडवांस सब लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।